स्कूल में ही लेता हूँ या कोई कॉलेज में ही जाता हूँ। स्टूडेंट लाइफ कहते हैं और कहते हैं कि स्टूडेंट लाइफ इज गोल्डन लाइफ। आप एक बार देखिए, आप सब जो स्टूडेंट लाइफ में मेहनत आप लोग अभी जो पढ़ाई कर रहे हैं कोई क्लास सेवन में या कोई सीनियर में है ना, तो हमारा मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि पढ़ाई टाइम हो सकता है लोग अपना मेजोरिटी टाइम जैसे स्कूल में आना जाना फिर सब्जेक्ट का पढ़ाई ना, तो मन में किसी का मन ऐसा है कि प्रेशर कुकर कैसे ना बन जाए आजकल किस किस का कैसे प्रेशर कुकर बन जाता है वो बाकी मतलब सब तो मतलब सब पे का लेकिन डिपेंड हो ही गया ना। इस बार तो इस बार जब ये लोग बोलने आएंगे तो खड़गपुर में हम एक टॉप में आ जाए इतना पैसा देखिए सब के लिए आने का सब पैसे देते हैं। तो बात ये है कि फिर भी कभी कभी ऐसा होता है ना कि प्रेशर कुकर तो बन जाता है। हाँ मेरा भी मैं मानता हूँ मेरा भी प्रेशर कुकर बन जाता है मेरा कुकर का एक्सपीरियंस है। फिर भी वो जो प्रेशर कुकर जब बनता है उस टाइम में कैसे अपने आप को कंट्रोल करें और दूसरा चीज वो प्रेशर कुकर बनने से पहले प्रेशर कुकर नाम से है हम लोग मैनेज करते हैं। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि हमारे पास इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं इतने काम करने इतने सब कुछ करना पड़ेगा और वो भी इतने बड़े बड़े चीज है तो क्या होता है जो राज्य मेडिटेशन हम लोग सीखते हैं क्या होता है हमको मेडिटेशन से कॉन्सेंट्रेशन पावर मिलता है हमको एक क्लैरिटी होता है माइंड में ना क्योंकि जब हम मेमोरी स्टडी करने लगते हैं अच्छा आज हिस्ट्री लिया ओ पढ़ने का नाम नहीं हिस्ट्री है चलो बायोलॉजी का था ओ पढ़ने का नाम नहीं ऐसे ऐसे करके पोस्टपोन करते करते हैं भैया बोलो बोलो करते हैं ना एग्जाम। सो जब आप ये मेडिटेशन सीखेंगे तो फिर बहुत सारे चीज को क्लैरिफाई हो जाएंगे कि मैं कौन कौन परमात्मा ये सब तो आज भाई ने बहुत अच्छे से आपको समझाया है। आई होप जब आप करेंगे तो उसका और भी डिटेल में समझेंगे लेकिन प्रैक्टिकल पॉइंट्स कि कैसे अपने टाइम को मैनेज करें कैसे अपने आप को सॉर्ट करें ना अपने माइंड को सॉर्ट करें कैसे टाइम टेबल बनाए वो अपने आप आपका बुद्धि ही बन जाएगा। कैसे नहीं कि ये भी आपको हेल्प करेंगे शुरू से बुद्धि कैसे करेंगे अपने आप को कॉन्सेंट्रेशन इम्प्रूव करें लेकिन जब आप ये राज्य मेडिटेशन का प्रोसेस से पूरा किंतु जब जाते हैं तब आपके माइंड में ऑटोमेटिक एक साइकिल शुरू हो जाता है जिससे कि आपका माइंड साफ होने लगता है आपको सामने की चीजें बहुत अच्छे से दिख रही है जिससे कि आपका प्लानिंग माइंड हो जाता है और आप पहले से बेहतर एफिशिएंट हो जाते हो अपनी चीजों को मैनेज करने में। क्योंकि मैं स्पेसिफिकली अपना बात बताऊं जब मैं क्लास 8 9 के आसपास टाइम किया टाइम जब मैंने कोर्स किया उसके बाद से मेरे परसेंटेज मतलब मैं एवरेज स्टूडेंट था अगर आप मेरे परसेंटेज गेन टू 95% 100% उस ट्रेन में पूरा का पूरा चला गया एंड मैं देखता था मैं कि टाइम से पहले स्कूल शायद दिसंबर में सेमेस्टर कंप्लीट करेगा बट मेरा उससे जो मैंने पहले ही खत्म हो जाता कॉलेज के टाइम भी नहीं है कि सेमेस्टर शुरू होने से पहले मैं अदर सेमेस्टर खत्म कर देता बिकॉज आई गेट दैट प्लानिंग माइंड फॉर मी। सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू दैट इफ यू कम टू नियर सेंटर Thank you.